दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा रोचक होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में कुछ फार्मूले के बारे में बात करने वाला हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको MCV, MCH, MCHC और HCT इन सब के फार्मूले के बारे में विस्तार से बात करने वाला हूँ। तो आज के वीडियो में आप बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी होगी लेकिन बहुत ही ज़्यादा इसमें नॉलेज मिलने वाला है आपको। चलिए वीडियो को हम चालू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, पहले HCT के कैलकुलेशन के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपके पास अगर HCV का रेंज है तो आप HCT का जो रेंज है वो पता कर सकते हैं, क्योंकि जो भी HP होगा उसका मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आपको HCT मिल जाएगा। थोड़ा सा रेंज इधर उधर 1-2 पॉइंट का हो सकता है, लेकिन फिर भी करेक्ट माना जाता है इस रीडिंग को और ये करेक्ट होता है। फिर उसके बाद से जो आता है वो आप देख सकते हैं MCV का। तो MCV का जो फार्मूला होता है वो होता है HCT मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई RBC। अगर आपके पास HCT और RBC है तो आप MCV का जो रिजल्ट है वो आप माप सकते हो, उसका रीडिंग आप पता कर सकते हो इस कैलकुलेशन यानी इस फार्मूला के थ्रू, और ये 100% करेक्ट, पॉइंट टू पॉइंट करेक्ट होता है MCV के लिए। तो इसके लिए जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। आपको नेक्स्ट फार्मूला के बारे में बता रहा हूँ कि नेक्स्ट फार्मूला कैसा होता है, और जल्दी से सब्सक्राइब कर देना जरूर चैनल को दोस्तों। अभी आप जो ये नेक्स्ट देख रहे हो MCH का जो फार्मूला होता है वो होता है HCV मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई RBC। अगर आपके पास HCV और RBC है तो आप MCH का जो रीडिंग होता है वो पता कर सकते हो आप, और उसके लिए आपको ये देखने को मिल सकता है, मतलब कि HCV मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई RBC यानी कि MCH का जो रेंज है वो आपको मिल जाएगा। और फिर उसके पास जो एक और है MCHC, इसके लिए आपको HCV मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई HCT करना पड़ेगा। यानी आपके पास ये तीनों अगर रेंज होता है, दो रेंज अगर होता है आपके पास HCV और HCT आपके पास होता है, तो आप MCHC का जो रीडिंग होगा वो आप आराम से निकाल सकते हो दोस्तों। तो ये फार्मूला होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया हो, जल्दी से लाइक कर देना। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कुछ डाउट्स होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके नीचे कमेंट कीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपसे बातें कर सकता हूँ, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको तुरंत सॉल्व कर सकता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, वहाँ पर आप आकर मुझे फॉलो कर लीजिए।